की अगर शुरुआत हुई तो वो कहाँ से हुई? कहाँ से हुई? जीरो जीरो से, ड्रीम से शुरुआत हुई। हर आदमी ने कोई ना कोई एक सपना देखा और उसे विश्वास हुआ कि मैं इसे पूरा कर सकता हूँ, ठीक है, और इस वजह से वो उसे पूरा कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो अभी सबसे पहले इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको कम से कम 4 से 5 ड्रीम अपने नोट करके रखना है, ठीक है। इसमें जैसे कि सबसे पहले ड्रीम, ठीक है, क्योंकि तो देखिए रोज़मर्रा की लाइफ में हम जो भी काम करते हैं, ठीक है, हम कुछ भी कर रहे हैं रोज़मर्रा की लाइफ में हम कुछ भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है कि अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा एक बॉस होता है, ठीक है, जो हमें मैनेज करता है कि आप ऐसे करो और ऐसे करो। और अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर क्या होता है कि हमारा लाखों रुपया इन्वेस्ट होता है, वहाँ होता है इन्वेस्टर है, तो वो पैसा कहीं हमारा डूब ना जाए, कोई एक कस्टमर हमारे से छूट ना जाए, इस वजह से हम प्रॉपर्टी पाया आज की रुपए बोस है, बोस को अगर उल्टा करते तो क्या होता है, सब कुछ वही होता है ना। और अगर मान लो बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर हमारा लाखों रुपये इन्वेस्ट है ना। अब जो बेस्टिंग बिजनेस है यहाँ पर क्या है ना, तो आपको पैसा लगा, तो पैसा क्या जो साबुन तेल पे चाय पत्ती जैसा लगेगा तो मार्केट से ले रहे, तो मार्केट के लिए यहाँ से लेना शुरू कर दी। वो अगर मान लीजिए ना यहाँ पर पैसा लगा ना ही यहाँ पर वो बोस है, ना ही कोई आते आपको ये कहने वाला है कि आपको ये काम करना है ऐसे करना है वैसे करना है, तो कोई कहता है ना आपसे, तो हम इस काम को क्यों करेंगे, वाई है ना। इस बिजनेस को करने के लिए 2-3 चीज की एबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या है, सबसे पहली चीज एबिलिटी है कि वो आदमी महत्वाकांक्षी होना चाहिए, यानी कि वो आदमी ड्रीमर होना चाहिए, उसकी लाइफ में कोई उसका उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि अभी मैं साउथ अफ्रीका के टूर पे गया था, लगभग 7-8 दिन वहाँ पे रह के आया, तो वहाँ पर मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जो व्यक्ति परचून की दुकान चलाता था और मात्र 8वीं पास था या फैल था, और मैं उससे मिला, मैंने उनसे उनका चेक पूछा कि सर आपका चेक कितना है, तो उन्होंने बताया कि 6.5 लाख रुपये महीने की इनकम है, ठीक है। तो यानी कि वो एजुकेशन के हिसाब से तो कोई ज़्यादा हाई लेवल पे था नहीं, तो वो क्या था, वो एम्बिशियस था, उसके अंदर चाह थी उस चीज़ को पाने के लिए जो चीज़ वो चाहता था, मानते ही नहीं। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ड्रीम होना चाहिए कि हम काम क्यों करें, ठीक है। जैसे कि अभी एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू बताता हूँ, जैसे कि एक शेर था, शेर क्या करता है, डेली जहाँ पे भी वो रहता है वहाँ से वो जाता है अपने शिकार पे, और वो जाके बैठ जाता है और शिकार करता है और उसे अपना पेट भरता है, तो वो अपना कर नहीं है सर। और अगले दिन सुबह फिर शेर गया, फिर शिकारने के लिए गया, और शिकारी ढूंढा उसने, लेकिन उसे जो है उसका शिकार नहीं मिला, तो क्या करेगा वो वापिस अपने रखा जाएगा जहाँ भी उसको रहे। अगले दिन सुबह फिर जाता है, फिर शिकार के लिए जाता है, लेकिन उसे कोई खत्म नहीं हुआ, फिर वापिस आ जाता है ना। तीसरे दिन फिर वो जाएगा, लेकिन तीसरे दिन क्या होगा, उसे भूख लगनी शुरू हो जाएगी, है ना। फिर वो शिकार ढूंढेगा, अगर उसे नहीं मिलता है तो क्या करेगा, फिर वापिस आ जाएगा। लेकिन चौथे दिन उसकी भूख इतनी बढ़ चुकी है कि अगर शायद उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वो मर जाएगा, है ना। तो जब चौथे दिन दोबारा फिर जाता है वो, तो वापस नहीं आता काम करना, तब तक जब तक वो उसे ढूंढना है ना। चौथे दिन ऐसा क्या हुआ कि उसकी इतनी बड़ी मजबूरी क्यों बन गई उस शिकार को ढूंढना, तो उसे पता था कि भाई तुझे अगर आज तुझे खाना नहीं मिला, आज तुझे कोई हिरन या कोई फंसा नहीं, तो तू खत्म हो जाएगा, मानते कि नहीं, बिल्कुल। तो सेम उसी तरीके से कि जो ड्रीम है ना, जो भी कुछ हम अपनी लाइफ के लिए सोच रहे हैं, जब तक हमारे अंदर उस भूखे शेर जैसी भूख नहीं आएगी उनके लिए, तब तक हम उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा काम चल रहा है ना, तो क्या फर्क पड़ रहा है, होगा ठीक नहीं होगा कभी भी, है ना, तो तब तक हम उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, हमें ये पता होना
हम काम क्यों कर रहे हैं। अगर हमें ये पता ही नहीं कि हम काम क्यों कर रहे हैं तो क्या होगा, मोटिवेशन और एक्साइटमेंट में 2-4 दिन आओगे, 10 दिन आओगे, 6 महीने तक आओगे और यहाँ पर तालियां बजाओगे और फिर उसके बाद फिर क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि आप इस काम को कर क्यों मानते नहीं। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊँ, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है सेल्स परचेज का, तो मैंने पहले टारगेट रखा कि जो मेरा ठीक ठाक काम है, छोटी बहन डॉक्टर है, एक भाई IIT तैयारी कर रहा है, वो छोटी बहन की क्लियर करता है, तो मैंने टारगेट बनाया कि इसको 1,00,000 रुपये पर मंथ की इनकम पर पहुँचाना है 1 साल के अंदर। ठीक है, अब वो तो मेरा टारगेट था, वो ऐसा था कि मैं इसको कह के छोटी बहन को ये नहीं कह सकता था कि अब मेरे तो भूमिका में क्या है, तो ऐसा कोई टारगेट हमें अपना फिक्स करना पड़ेगा। और मैंने फिर उस टारगेट के ऊपर काम करना शुरू किया और फिर वो मैंने अचीव किया। आज लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये रेगुलर इनकम मंथली यहाँ पे चल रही है। ठीक है जी, तो अब इसके अंदर करना क्या पड़ेगा आपको, ड्रीम के अंदर सबसे पहले तो आपको जो ड्रीम है हमारे वो अचीवेबल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बिजनेस में आए और एक्साइटमेंट में और एनर्जी में आगे कि मुझे तो 3 महीने बाद ओडी कार्ड लेनी है ना, मुझे तो 1 साल के अंदर 10,00,000 रुपये महीना कमाना है ना, तो उससे क्या होगा वो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर हम जीने से ऊपर चढ़े हैं तो सीढ़ियाँ हैं, ऐसा तो नहीं फर्स्ट के बाद और फिफ्थ स्टेप पे आपने पैर रख दिया हो, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो इसके अंदर आपने करना क्या है, ड्रीम्स की हमें कैटेगरी में डिसाइड करना है। ठीक है, वैसे तो आपको कॉपी पेन लेके आना चाहिए था, लेकिन जो लेकर आए हैं वो नोट करें और जो नहीं लेकर आए हैं अगर कहीं आप मोबाइल पे फोटो वोटो लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहला आपको टारगेट क्या करना है, आपको 10,000 रुपये तक का कोई भी चीज़ लेनी है जो भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब 10,000 में क्या आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, है ना, 10,000 रुपये और उससे अरे कुछ ना आपका हो, लेकिन 10,000 रुपये में आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मैं जो है ना, जैसे मेरे 10,000 रुपीज़ कम्प्लीट होंगे मेरे पास अकाउंट में आएंगे, तो उस पैसे से मैं अपनी मदर फादर भाई बहन सबको जो है ना 5 स्टार एक अच्छे होटल में जाकर डिनर कराऊंगा, हो सकता है ये हो सकता है कि कोई ड्रेस या कोई ऐसी चीज़ आपके भाई बहन या आपके भाई या आपके कोई भी आपके सोच नहीं सकते उसके बारे में, चीज़ वो आप लाकर उनको दे सकते हैं, है ना। क्योंकि नहीं तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए वहाँ पर जाते हैं शॉप पे, तो शॉप पे जाने के बाद क्या करते हैं भाई, जल्दी की चीज़ें तो ये लोग के भी थोड़ी सी ले 500-700 रुपये की नहीं ले रहे, ध्यान जाता है बड़ी अच्छी साड़ी होती है 4-6 हज़ार की, लेकिन हम कहते हैं उधर से इधर को ध्यान कर लूँ वो हमारे लेवल की चीज़ नहीं है, ऐसे करते हैं नहीं। तो आप अपना टारगेट बना सकते हो कि जो 10,000 रुपये आएंगे तो अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छे अच्छे कुछ की चीज़ आप गिफ्ट उनको देंगे, या हो सकता है कि आप अपने लिए मोबाइल खरीदें या अपने भाई को बहन को या वाइफ को किसी को भी आप दे सकते हैं, हो सकता है कि, और शायद वो तो एक छोटी सी चीज़ जब घर के अंदर आएगी, या हो सकता है बच्चों के लिए कोई आप गेम या कोई भी चीज़ आप लेकर आएंगे तो उनके चेहरे पर खुशी आएगी नहीं आएगी, है ना, तो उसकी कोई कीमत नहीं है, उससे क्या होगा उससे फिर आपका एनर्जी मिलेगी। उसके बाद दूसरा जो ड्रीम बनाना है वो बनाना है लगभग लगभग आपका 50,000 रुपये, 50,000 रुपये तक की कोई भी चीज़ आपको लिखनी है, और ये मान चलिए कि ये लगभग 4 से 6 मंथ में ये यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको जो ड्रीम टारगेट रखना है वो लगभग रखना है 2 से 5 लाख, ये लगभग लगभग आपका 1 साल से लेकर 1.5 साल के बीच में कंप्लीट हो सकता है, ये लगभग आपका 2.5 से 3 साल तक आसानी से कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद आप 50+ यानी कोई बड़ा अच्छा घर आप बनाना चाहते हैं, किस तरह की चीज़ चाहते हैं वो चीज़ आप कर सकते हैं, ये लगभग आपका 3 से 5 साल से कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, यानी 3 से 5 साल के अंदर लगभग लगभग ज़्यादा की अगर बात ना करें तो लगभग 2 से 3 लाख रुपये मंथली इनकम यहाँ पर हो रही होगी। ठीक है, और अगर 2 से 3 लाख रुपये की मंथली इनकम हो रही होगी तो उस टाइम पर लाइफ कैसी हो सकती है, शायद हो सकता है कि आपके भाई बहन मदर फादर या जो भी आपके परिवार है
उनके मुंह से कोई चीज निकलने से पहले आप उसको पूरी करोगे, हो सकते कि नहीं? फिलहाल के टाइम पे क्या करते हैं हम कि भाई अभी अभी बजट नहीं है, जुगाड़ नहीं है, कुछ लोग इस तरह की बातें बोलते हैं ना, और कहते हैं कि अगले महीने अगले महीने अगले महीने, और वो अगले महीने कभी नहीं आता, होता कि नहीं? विराट के टाइम पे दिलासा देते रहते हैं, और जब दो चार पाँच छः साल जब शादी हो जाते हैं तो फिर वाइफ को पता चल जाता है कि इसका अगला महीना कभी आएगा नहीं, वो तो आपको कहना भी बंद कर देती है। तो जी जो पुराने लोग हैं उनको पास, तो ये चीज़ है। तो अब ये बताइए कि फिलहाल के टाइम पे हम जो भी काम कर रहे हैं, हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी जॉब में हैं, किसी भी बिजनेस में हैं, क्या उस काम को करके आने वाले 3 से 5 साल के अंदर क्या 2 से 3 लाख रुपए की इनकम हम कमा सकते हैं किसी अदर प्रोफेशन से? नहीं कमा सकते। तो अगर नहीं कमा सकते तो शायद ये जितनी भी चीज़ें आपने सोची हैं वो सब चीज़ें नहीं हो सकती। अच्छा, इससे होगा क्या? जैसे कि मैंने पहली चीज़ बताई कि भाई किसी के भी मुंह से कोई बात निकलेगी आप उसको मिनटों में पूरी कर सकते हैं। हो सकता है आप अपनी वाइफ के साथ कहीं शॉपिंग के गए हुए हैं और वाइफ कह रही है कि ये लूँ या ये लूँ, है ना, आप उसको महंगी से महंगी ड्रेस, महंगे से महंगे कपड़े, महंगे अच्छे से अच्छा लाइफ स्टाइल ब्रांड्स आप पहनने शुरू कर देते हैं उस टाइम पे, तो कहते हैं ये लूँ या ये लूँ। फिलहाल तो हम कहते हैं भाई इनमें से कुछ भी ना ले, फिर क्या कहेंगे दोनों ले लें, कहेंगे नहीं? तो इस तरीके से एक अच्छा लाइफ स्टाइल आपको हो सकता है। शायद हो सकता है कि जो आपकी मनपसंद गाड़ी हो वो आपके घर के सामने खड़ी हो सकती है कि नहीं, अगर 2 से 3 लाख रुपये महीने की इनकम है, क्यों मैम, हो सकती है क्या? ये हो सकता है कि जो आपका जो घर है फिलहाल शायद घर ऐसा हो कि अगर उसमें 4 आदमी आ जाएं तो सोचना पड़े कि आप उनका इंतजाम कैसे करें। अगर इतनी अच्छी अर्निंग हो तो क्या एक अच्छा घर ऐसा मेंटेन हो सकता है कि वहाँ पे फिलहाल तो हम सोचते हैं कि शायद कोई ना आए, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा जो आना चाहे वो आ सकता है और जितने दिन रहना चाहे रह सकता है, और घर के अंदर जो भी उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें जो भी एंटी आइटम या जो भी कुछ होता है वो सब चीज़ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हुँ? अगर छुट्टियों की बात करें तो शायद हर 6 महीने में, जैसे कि अभी मुझे फॉरेन टूर मिलने स्टार्ट हुए हैं, अभी मैं साउथ अफ्रीका रह कर आया हूँ 7-8 दिन, वहाँ पे ये मान लीजिए 300 साल पुराना महल है एक रोड ऑफ सिटी के नाम से, और ये मान लीजिए जैसे कि बाहुबली पिक्चर देखी होगी तो उसका जो सेटअप था ना, वो जो सेटअप था वो ओरिजिनल महल है 300 साल पुराना, और ये मान लीजिए एक एक चीज़ उसके एंटीक है, और वो लाइफ जीने के बाद मुझे लगता है कि शायद मैंने इतनी मेहनत भी नहीं की जितने रिवार्ड मुझे मालूम हुए। तो अगर मान लीजिए 2 से 3 साल बाद जब आप इतनी अर्निंग कर रहे होंगे तो कंपनी से आपको फ्री ट्रेवल फंड मिलता है जिससे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ फॉरेन टूर का मजा ले सकते हैं। तो जब आप अपनी फैमिली के साथ एरोप्लेन में जा रहे होंगे और उस होटल में जाकर रुक रहे होंगे जिन होटल्स के सामने से गुजरने, यहाँ पर तो पहली बात ऐसे होटल भी नहीं है, लेकिन जिन होटल के सामने से गुजरने के बारे में हम सोचते हैं कि शायद कभी हम रूम में जाके या होटल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और जब वहाँ पर आप 8-10 दिन के पूरी फैमिली के साथ रुक रहे होंगे तो क्या खुशी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी ना। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें शायद जो मैं बता भी नहीं सकता वो सारी चीज़ें पूरी हो सकती है कि नहीं? हेल्प अदर, यानी कि हो सकता है कि कोई आपका भाई बहन दोस्त रिश्तेदार कुछ करीबी आपका बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, यानी कि उसके पास अर्निंग सोर्स नहीं है लेकिन बहुत परेशान है, लेकिन अगर आप एक अच्छी आमदनी दे रहे होंगे क्या उनको आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाओगे कि नहीं? और वो पैसा आप उनको एक कह दो कि तुम रख लो मुझे चाहिए भी नहीं, और अगर और ज़रूरत हो तो मुझे बताओ। अगर ऐसी कोई सपोर्ट आप किसी को कर पा रहे हैं तो उस टाइम पर तसल्ली मिलेगी कि नहीं, संतुष्टि होगी ना? तो ये जो ऐसी लाइफ है, अगर ऐसी लाइफ की हमें भूख होगी, कैसी भूख, जैसे 4th दिन जब शेर भूखा था ना तो फिर वो भूखा वापस नहीं आया, तो किसकी मजबूरी थी कि अगर उसे नहीं खाना मिला, उसे कोई नहीं मिला तो मर जाएगा। तो जब तक ऐसी भूख हमारे अंदर इस लाइफ के लिए नहीं होगी तब तक हम ये लाइफ नहीं जी सकते। तो मैं मानता हूँ लगभग हम सभी लोगों में वो भूख है। यस, वो इसका आंसर मैं बताता हूँ, अगर है तो आप बोलेंगे यस, अगर नहीं है तो आप बोलेंगे नो, ठीक है? तो मैं समझता हूँ सब लोगों में इसकी भूख है। यस, आप चाहते हैं कि मैं आपको इसको कैसे अचीव करना है इसका एक रास्ता बताऊँ? यस,
बाहर मार्केट में तो ऐसा नहीं है ना कि यहाँ से आप घर तक जाएंगे और आपको 500 आदमी मिलेंगे लाइन में लगा के कि वो आपसे कहेंगे कि मैं आपको बताता हूँ जिससे कि आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम ले सको, ऐसा तो नहीं है ना। या अभी आज तक हमारी इतनी लाइफ गुजर चुकी कि आज तक ऐसा कोई मिला नहीं मिला, ठीक है। अब इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले इसके अंदर वो मेन मेन वो जो चीज़ें हैं ना वो लिखनी है आपको, ठीक है। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट बनाने के बाद फिर करना क्या है, फिर इसको हमें गोल में कन्वर्ट करना है। तो ड्रीम प्लस डेट गोल, क्योंकि खाली सपने किसी के पूरे नहीं होते, मानते कि नहीं। अगर मैं सपना देख रहा हूँ तो फिर वो यही है कि जैसे मुंगेरी लाल का नाटक आता था ना पहले, एक शादी में देखता हूँ मुंगेरी लाल के अधीन सपने एक नाटक आता था, तो उसमें क्या होता था, वो सपने सपने देखता रहा पूरी जिंदगी बेचारे के सपने में निकल जाती है। तो खाली सपना कभी किसी का पूरा नहीं होता है, सपने के सामने हमने क्या करना है, डेट डालनी है, तभी गोल में कन्वर्ट होना है, ठीक है। ड्रीम हमें अचीवेबल रखने हैं, एकदम से जैसे आदमी ज़्यादा खाने होता नहीं होता या खाना छोड़ता अभी दिवाली का आप चाहते हो कि आप बच्चों को जो ना कोई छूट दे दूँगा देखो कितने पटाखे चलते जाए तो नहीं खरीद है ना, तो कुछ भी हो सकता है मुझे नहीं पता वो आप छोड़िए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि 50,000 रुपये से रिलेटेड कोई भी चीज़ रखनी है, हो सकता है आप अपना कोई राइडर रख सकते हैं कि मुझे एक अपनी छोटी एक्टिवा चाहिए, है ना, कुछ भी हो सकता है मुझे नहीं पता। उसके बाद हो सकता है 2 से 5 लाख यानी कि इस टाइम पर आपकी इनकम लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये हो रही होगी, और उस टाइम पर मैं समझ रहा हूँ जो आपकी कोई छोटी मोटी जो ड्रीम खराब होती है 8-10 लाख रुपये की गाड़ी एक इमोशनल ड्रीम होता है, क्योंकि जब हम आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं जब भी खड़े होते हैं और कोई लंबी सी गाड़ी से निकल के कोई आपका एक्टिव आता है ना तो शायद किसी को जरूर होता होगा कि भाई अपनी बात सुनी है, होता ही नहीं है, तो अगर होता है यानी कि हम जिंदा है ना। दूसरी चीज़ या उस टाइम पर जरूर महसूस होता होगा कि आप जो है ना सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास कपड़े कपड़े पहन के बिल्कुल पिंच विंच घर पर बैठ गए जिसकी शादी में चलना उसको से बारी फिर तो क्या होता है जाते हैं घड़ी बैठ जाते हैं, लेकिन अगर उस टाइम पर गाड़ी अगर आपके पास हो है ना तो ये इस तरह से हमें फीलिंग महसूस करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ फिर आपको यहाँ पर अपना कोई घर के लिए या बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए मुझे नहीं पता वो आपकी अपनी खुद की जरूरत है, वो आपकी खुद की भूख है, उनकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट बनाने के बाद हमने इनको डेट डाल के गोल में कन्वर्ट करना है, और गोल में कन्वर्ट करने के बाद जो भी आपके भगवान हैं, ठीक है, आपका जिनको भी आप मानते हैं उस लिस्ट को आपको भगवान के चरणों में रखना है, और उसके बाद आपने रिक्वेस्ट करनी है, प्रार्थना करनी है कि भगवान आपका धन्यवाद आपने मुझे इतने अच्छे सिस्टम में जोड़ा जिससे मैं इन सब चीज़ों को अचीव करने जा रहा हूँ। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे वह तेज शक्ति बल विद्या ऊर्जा सामर्थ्य वाक्पटुता और सहनशीलता दो जिससे कि मैं इन सब चीज़ों को निर्धारित समय में अचीव कर पाऊँ, और आपका धन्यवाद आपने मुझे सब कुछ दिया। अब करना क्या है, अब हमें इसमें जो है गोल को पूरा करने के लिए लग जाना है। कैसे लगना है, अब जैसे कि ड्रीम को डेट डाल के गोल में कन्वर्ट कर लिया, हमने मेजर कर लिया कि हाँ एक साल के अंदर ये अचीव कर सकते हैं, एक महीने ये अचीव कर सकते हैं, दो साल में ये अचीव कर सकते हैं, उसके बाद किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है प्लानिंग, है ना, प्लानिंग की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे आना था, ठीक है, अगर मुझे रास्ता ना पता होता यहाँ का, मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि मैं मुझे 12:30-1 बजे तक मुझे जो है ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर ट्रांसफर पहुँचना है ना, लेकिन फिर मैंने क्या किया, मुझे रास्ता नहीं पता था तो मैंने क्या किया उसमें गूगल मैप में एक वे डाल दिया, तो यहाँ का एक पाथ भी क्रिएट हो गया। अब मेरा काम क्या था, वो मेरी प्लानिंग मेरे पास आ गई कि भाई तुझे इस रास्ते के ऊपर चलना है, अगर तू इस रास्ते के ऊपर चलेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, मानते नहीं। यस, जैसे आपको पता है कि कुचिपुड़ी कहाँ पे है, कुचिपुड़ी का नाम तो सुना होगा ना, एक शहर का नाम है तमिलनाडु, पता है कहाँ पे है तमिलनाडु,
तमिलनाडु में कहाँ पर है पता है राजस्थान। लेकिन आप अभी एक काम करो, गूगल में आप डालो किसी को, तो क्या होगा, एक आपकी स्टेट हो जाए, एक रास्ता आपके सामने आ जाए, ठीक है। अब अगर आपको सच में वहाँ पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, रास्ते पर चलना पड़ेगा, है ना। एक प्लानिंग होगी, वो प्लानिंग मैं आपको बताऊँगी कि ऐसे कौन से काम हैं जो हमें करने हैं। प्लानिंग के साथ साथ हमें क्या होना चाहिए, हमें होना चाहिए फेथ, विश्वास, ठीक है। यानी कि आपने गोल डिसाइड कर लिया, प्लानिंग भी कर ली, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है कि ये मेरा गोल अचीव हो जाएगा, तो क्या वो अचीव हो पाएगा। और विश्वास जो होता है ना, वो या तो होता है या नहीं होता है, 99% कुछ नहीं होता। अगर कोई लड़का या कोई बच्चा अपनी माँ से कहे कि मुझे 99% तुम्हारे पर विश्वास है कि तुम मेरी माँ, और 1% मुझे विश्वास है या विश्वास नहीं है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मुझे कहीं से उठा कर, तो जो 99% है वो जीरो हो जाता है। फेथ जो होता है वो 100% होता है। यानी कि मैं अगर कहूँ कि मैं अपनी पत्नी के प्रति मैं 99% ईमानदार हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं 100% ईमानदार नहीं हूँ, है ना। तो ईमानदारी जो होती है वो 100% होती है। अब अगर हम अपने ड्रीम्स के प्रति 100% ईमानदार हैं, तो ये ईमानदारी कहाँ से आएगी, फेथ कहाँ से डेवलप होगा। फेथ डेवलप होगा कि जब आप ऐसी एसोसिएशन में रहोगे जो लोग ये गोल्स अचीव कर दो, है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए देखिए मैम आपका नाम क्या, श्रद्धा जी, जैसे कि श्रद्धा जी आप हैं और आप मान लीजिए बहुत हाई सोसाइटी लेडी हैं, कुछ मान लीजिए उनके साथ में आपकी फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है। और उनका जो मेन है वो जॉब से निकलते हैं, और जॉब से निकलने के बाद क्योंकि घर वाले सब कुछ यहाँ पे कोई नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो डेली शाम बैठे पार्टी करते हैं, ठीक है। और पार्टी में जो वोट का और टिकट वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन आप लोग खुश हैं, ठीक है, आप मिले आप इन चीज़ों में नहीं हैं। लेकिन डेली आप के उनके साथ 2 से 3 घंटे बीतते हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि 1 साल बाद क्या कुछ बड़ा बहुत गुण आपके अंदर आ जाएगा, मतलब, है ना। लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सभी की बात चलिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कुछ लेडीज ऐसी होती हैं कि जैसे वो फूल नहीं करती रहती है, है ना, हर टाइम के लिए जो सही है तो है, और उस लेडीज के साथ में आप 20 दिन या 1 महीने या 4 महीने या 6 महीने गुजार देंगे, तो वो लक्षण आ जाएंगे नहीं, है ना। वो कहते हैं नहीं खरबूजा खरबूजे को देखते रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी जो सोसाइटी है, हम क्या हैं, हमारी जो सोसाइटी है संगत चेंज करनी है, तभी हमारा विश्वास बढ़ेगा। संगत कैसे, जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक, इसकी कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक्स आती है, वो बुक आपको डेली पढ़नी है, ठीक है। मैं आपको प्ले बुक स्टोर है और इसके अंदर आपको बहुत सारी बुक्स हैं, अगर आप मुझे कहोगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, और वो आपको डेली लगभग 25-30 मिनट डेली किताब पढ़नी है, ठीक है। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर नोट कर देता हूँ, 8393929292, राजकुमार शर्मा का नाम है, इस नंबर को आप फील करके आप अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बुक है ये किसकी है, जैसे कि सिंह छेड़ा के बारे में आपने सुना होगा, सिंह छेड़ा जी, जीत आपकी जिंदगी किताब है, नाम सुना आपने किताब का, है। सिंह छेड़ा एक इंटरनेशनल राइटर हैं, वो अपनी लाइफ के सबसे बड़े फेलियर थे, वो 10th भी पास नहीं है, लेकिन वो एक इंश्योरेंस के फील्ड में गए, सेलिंग के फील्ड में गए, और उस फील्ड में जाने के बाद वो वर्ल्ड के जो टॉप 100 जो सेल्समैन थे, मतलब कि जो ये मान लीजिए अमीर आदमी थे, उनमें उनका नाम आ गया। अब उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपीरियंस पूरी लाइफ जितने भी उनके तजुर्बे थे, जिसकी वजह से वो जीवन के हीरो बने, वो सारे एक्सपीरियंस उन्होंने उस किताब के अंदर डाल दिए, ठीक है। अब अगर लगातार डेली 5-7-10 पेज उनके जो विचार हैं, यानी कि जो किताब है, किताब क्या है, वो उनके विचार हैं, उन विचारों के साथ में अगर हम आधा घंटा व्यतीत करेंगे, और मान लीजिए 1 दिन में हम सिर्फ अपने आप को 1% अपडेट करते हैं, तो लगभग 100 दिन के अंदर लगभग 100% अपडेट हो जाएंगे, बिल्कुल। यानी उनके जब आप सोचना शुरू करते हैं, और अगर 1 साल तक लगातार हम उसी क्रम में बने रहेंगे, तो क्या होगा, अंदर से पूरे चेंज हो चुके होंगे,
है ना, वो सारे सक्सेस प्रिंसिपल वो सारे हमारे अंदर आ चुके होंगे है ना, लेकिन हम डालते क्या है दिमाग में नाटक। आपको मैं नाम भी भूल गया, पहले से देखिए आता था सांस भी कभी बोलती हो, बहुत सारे नाटक आते हैं ठीक है, ये डालते हैं कि नहीं, उसमें वो थोड़ा ऐसे सस्पेंस में ले जा के छोड़ता है आदमी को कि वो है ना, अगर दो दिन का गैप लग जाए जैसे कि सैटरडे संडे का गैप लग जाए तो बस पूरा दिन उनको टेंशन ही रहती है और शायद आपको रहती भी है ना, रहती है ना, तो उसकी टेंशन क्यों लेनी, अपने घर की टेंशन लो ना, तो उसकी टेंशन ले के बता दो कि क्या मिलेगा है ना, उसका एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ है, वो भूत था नहीं था, ऐसे सस्पेंस ले जाके बोलते हैं वो, तो उनको ना देखते आप अपनी लाइफ को अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए उनके ड्रीम्स पूरे करने के लिए जो चीज़ जरूरी है उसे कर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें क्या करना है, डेली कम से कम 10 मिनट या लगभग 30 मिनट आपको बुक पढ़नी है, क्योंकि देखिए लाइफ क्या है, लाइफ एक कैफेटेरिया है, जैसे कि आप जैसे मैकडोनल्ड है यहाँ पे कहीं तो आप वहाँ पे जाते हैं, तो जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है, पहले वहाँ पे सामान मिल जाता है, पहले पे करना पड़ता है। मान लीजिए 35 रुपीज़ का बर्गर है तो कितना पे करना पड़ेगा मैम, 34 में तो नहीं मिलेगा है ना, क्योंकि कैफेटेरिया वहाँ पर पहले पे करते हैं फिर हमें मिलता है। तो हमारी जो लाइफ है, ये जो हमारी जो लाइफ है ना, ये है ये कैफेटेरिया है, हमें अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हमें चाहिए ना, उसके लिए पहले हमें पे करना पड़ेगा, क्योंकि नियम काटने का और होने का नहीं है, होने का और काटने का है ना, जब आप कुछ देंगे तभी आपको मिलेगा है ना। अब ये सब चीज़ों के लिए क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो हमें अपनी संगत चेंज करनी पड़ेगी, हमें अपने अंदर फेथ डेवलप करना पड़ेगा कि आई कैन डू थिंग, मैं इस काम को कर सकता हूँ। और वो कहते हैं इफ़ यू थिंक एंड यू कैन बिलीव यू कैन अचीव, यदि आप सोचते हैं और जो आपने सोचा उसके ऊपर आप विश्वास करते हैं तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब वो विश्वास कैसे आएगा, जब हमारी एसोसिएशन ऐसी होगी, तो आपको करना क्या है, डेली कम से कम 30 मिनट किताब पढ़नी है। तो मैं सोचता हूँ अभी हमारे ड्रीम की कीमत के सामने ये रखा जाए कि बुक पढ़ना है 30 मिनट पढ़ी जा सकती है कि नहीं, बिल्कुल, यानी कि लगभग कम से कम 30 मिनट। अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हो, व्यक्ति से रिलेटेड वीडियो देखिए आपने देखे नहीं है, तो आपको करना क्या है, आपको मैं लिंक डेली भेजता रहूँगा, अगर आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको क्या करना है, डेली कम से कम 30 से 40 मिनट वीडियो देखनी है। उस वीडियो में कौन लोग हैं, उस वीडियो में वो लोग हैं जो यहाँ पर अपने 5 साल पूरे कर चुके हो, यहाँ पर लगभग 3 से 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 15 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये महीने की इनकम दे रहे हैं। हमारे जो सिद्धार्थ सर हैं वो लगभग उनकी 1 करोड़ रुपये महीने की इनकम है। अब उनके पास इतना टाइम रहेंगे तो आपको आज अलग से एजुकेट करेंगे है ना, लेकिन उनकी जो वीडियो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड है और नेट फ्री भी है ना, तो उस वीडियो को देखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल। अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं ठीक है जी, स्टूडेंट अभी एक लड़का है शिवम गोस्वामी, उसने क्या कहा, उसने जब बीकॉम फर्स्ट ईयर में आया तो उसने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद जिस टाइम पर उसका बीकॉम फाइनल ईयर था उस टाइम पर उसने एक गाड़ी की तरह, उसके पास रिटर्न वगैरह नहीं थी, तो उसने कहा भाई रिटर्न के बिना नहीं मिलेगी, उन्होंने कहा कैसे मिलेगी, पैसे देखने मिलेगी, उन्होंने कहा जी कितने पैसे, क्या जी 9 लाख रुपये की इनकम, मैं चेक काट के देता हूँ, उसने कैश एक दिन से गाड़ी, ये सबसे सबसे काम से नहीं मिलते, क्योंकि 3 साल यहाँ पर लगा चुका आज यहाँ से 5.5 लाख रुपये मिलने की इनकम। अब वो कैसे उस इनकम पर पहुँचा, उसकी लगभग 1-1 घंटे की वीडियोज पड़ी हुई हैं जिसको ये बताता है कि मैं कैसे यहाँ पर, मेरी छोटी सिस्टर है पर ठीक है उसकी वीडियोज हैं ठीक है, वो कैसे 1 से 1.5 लाख रुपये महीना कमा रही हैं। तो जब लगातार 1 साल तक डेली आप आधा पौना घंटा डेली आप वीडियो देखते हैं और वो सारे सक्सेस प्रिंसिपल किसी ना किसी तरीके से हमारे दिमाग में जाएंगे, जब हमारी ऐसी संगत होगी तो 1 साल बाद हम भी यहाँ पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। भाई अगर हम शराबी की संगत में रहेंगे तो हम क्या रहेंगे, अगर हम किसी छोटी की संगत में रहेंगे तो क्या होगा, कविता बोलना शुरू करते हैं ना, अगर हम किसी प्लेयर की संगत में रहेंगे तो हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड बातें करनी शुरू करते हैं है ना, अगर मान लीजिए हम किसी फील्ड में किसी भी लोगों के साथ संगत में रहते हैं हम वैसे बोलना शुरू कर देते हैं, वैसे हम हो जाते हैं
लेकिन अगर मान लीजिए हम अमीर और करोड़पति लोगों के बीच में रहना शुरू कर देंगे और उनके विचार जाने अनजाने में हमारे माइंड में जाएंगे जाएंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, तो एक टाइम क्या आएगा, हम भी हो जाएंगे नहीं। जब आप शराब पीना शुरू कर सकते हैं तो आप 1 लाख रुपये महीना में कमाना शुरू कर सकते हैं जब एक साल तक लगातार आप संघर्ष में रहेंगे, है क्या नहीं जी। तो ये इसको वीडियो को देखने से आपको फेस होगा कि आप जब ये बंदा कर सकता है तो मैं भी। एक बंदा है मोहम्मद इरशाद अहमद, वो ब्लाइंड मैन है, अंधे हैं वो। और मैं अभी आपको एक चैलेंज देता हूँ, एहसास देता हूँ कि आप अपनी आंखों में पट्टी बांध लीजिए, आप नीचे जाइए ठीक है, और सामने वो जो दीवार है ना वहाँ पर हाथ लगा के वापस आ जाइए। पॉसिबल है ये? नो कर सकता है कोई? लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जो बंदा अंधा है वो बंदा यहाँ से 3.5 लाख रुपये महीने की इनकम दे रहा है, ठीक है। तो यानी कि अंधा आदमी भी इसको कर सकता है। जब आप वीडियो देखोगे उसके सक्सेस प्रिंसिपल देखोगे उसने किया क्या, तो फेथ डेवलप होगा कि नहीं, है ना। तो वो फेथ हमें लेकर आना है अपने अंदर, फेथ तब डेवलप होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेथ क्या होता है, एक होता है बिलीव और एक होता है फेथ, इन दोनों में फर्क क्या है। विश्वास तो होता है कि जैसे किसी ने कह दिया आपको विश्वास हो, ये होता फेथ, यानी कि आपके कितने लोगों को फेथ है कि वो रात के टाइम अपने तकिए पर सर रख के सोएंगे, सभी को पता है भाई रात को सोना है। ये किसे बोलते हैं फेथ, होने से पहले हमें अगर ये महसूस हो जाए कि ये हो चुका उसे कहते हैं फेथ। तो जब आपके अंदर वो फेथ डेवलप होगा होने से पहले कि ये हो चुका, ये मेरी लाइफ हो चुकी, ये सारे ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं, तब उस चीज़ को बोलते हैं फेथ। वो फेथ अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा, और फेथ अंदर कहाँ से आएगा, जब आप डेली बुक पढ़ेंगे, डेली आप वीडियो सुनेंगे, और कम से कम भी मीटिंग सेमिनार ट्रेनर ट्रेनर प्रोग्राम एंड SBP, इन 3 चीज़ों को आप करेंगे। मीटिंग में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको जो है ना यहाँ पे या मैं आपके घर पे आके बैठ के सिर्फ ये चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है। उस चीज़ का ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आपकी माहौल यहाँ पे जनरेट हो रखा है, यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं या यहाँ पे ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर आप यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि मैं अकेले नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं, समझे नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, माहौल से फर्क पड़ता है। जिस तरह से हम हर मंगलवार को मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं, है ना, मिस नहीं होता मंगलवार या शनिवार को, हर मंगलवार को जाना ही है, मत्था टेकना ही है। तो अगले 2 से 3 साल तक आप इसे एक ऐसा मंदिर समझ लो कि जहाँ पर आपको मत्था टेकना है। हो सकता है उसी टाइम पे सारे बर्थडे पार्टी शादी सब कुछ आएगा, मिस कर देना उसे, उसे कह देना भाई मैं बाद में आऊँगा या थोड़ा 1 घंटे बाद चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आज अगर किसी फ्रेंड की शादी है और आप नहीं गए तो क्या उसकी शादी रुक जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना, फिर तो मैं घोड़े पर ही चलूँगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं तुरंत ही मंगी तो तुरंत नहीं रहेंगी, उसे पता भी नहीं होगा कितने लोगों को। लेकिन जब 1 साल बाद जब आप त्याग देंगे बलिदान करेंगे अपनी इच्छाओं का, जब आप वहाँ पर कामयाब होंगे, 1 साल बाद अपनी चमचमाती की गाड़ी के अंदर बैठ कर उसके घर पर जाना, और आप शायद आज उसे 100 या 101 या 251 रुपये देते उसे 11,000 रुपये का लिफाफा दें, तो खुश होगा नाराज होगा, बिल्कुल खुश होगा। वो भी कहेगा भाई तू 1 साल बाद हो रहा था भाई, है ना। तो मेन चीज़ क्या है, हमें ज़्यादा सक्सेस करना है अपने आप को, तो सक्सेस के लिए बलिदान क्या करना पड़ता है। अगर कोई IIT की तैयारी कर रहा हो तो उसके उस आदमी से पूछो, उस बच्चे से पूछो, वो शादी ब्याह फंक्शन दो तो वो त्यौहार तक नहीं मनाते हो, उनके लिए पहली प्रायोरिटी होती है कि उनका कैरियर, है ना। तो ये सब चीज़ क्या है, ये हमारे कैरियर ही तो है ना। 60 साल काम करो, सिर्फ 2 से 3 साल लगा दो यहाँ पर, ठीक है। और 2 से 3 साल लगातार जब आप लगाओगे तो आपको जो है धीरे 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 जब ऐसा माहौल आपको मिलेगा, लगातार आप वीडियो सुनोगे, आप मीटिंग में जाओगे, ट्रेनिंग्स में जाओगे, सेमिनार में जाओगे, तो आप रिलेट करोगे यार जब ये कर सकता है तो, जब ये कर सकता है तो। एक बार क्या हुआ, एक शेरनी का बच्चा हो गया, तो वो खो गया तो वो बकरियों के झुंड में चला गया, और तो उसका तो
मालिक था वो उसको भी ऐसी पालने लगा। भेड़ें अगर घास, भेड़ बकरी अगर घास खाती वो भी घास खाता, और वो मान लीजिए जो भी कुछ वो करते वो करने लगा। और जैसे बकरियां मिलनी आती हैं ऐसी वो भी मिलनी आने लगा। एक दिन क्या हुआ, जब थोड़ा वो बड़ा हो चुका था वो नदी के किनारे गया और वहाँ पर वो पानी पी रहा था। सारी बकरियाँ भेड़ सब पानी पी रही थी, वो भी पानी पी रहा था। नदी के उस पार उसकी माँ गई थी, तो शेरनी जिसका वो बच्चा था उसने उसे देखा और जोर से दहाड़ लगाई। और जब उसने दहाड़ लगाई तो हुआ क्या, तो इधर उधर की भेड़ बकरियाँ थी वो तो कांपने से लग जैसे कांपती गई, लेकिन जो ओरिजिनल शेर था उसके अंदर कुछ हुआ है ना, कुछ उसके अंदर हुआ। जब उसके अंदर कुछ हुआ तो उसने पहले पानी में देखा अपना चेहरा, सामने देखा शेरनी का चेहरा, फिर इधर देखा इधर देखा, उसने कहा मेरी शक्ल तो उससे मिल रही है, मैं इनके बीच में क्या कर रहा हूँ, मेरी शक्ल तो उससे मिल रही है, मैं इनके बीच में क्या कर रहा हूँ। फिर दोबारा ऐसे किया, फिर सामने इतने में दोबारा से फिर दहाड़ गया, फिर उसके अंदर फिर दोबारा से एक एनर्जी आई, तो उसने अपने चारों तरफ की शक्ति को बटोरा और जोर से दहाड़ लगाई। जितनी अगल बगल की भेड़ें थी सारी भाग गई और वो शेर नदी को कूद के अपने शेरों की ढूंढने लगा। तो इन मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम और सेमिनार का फायदा क्या होता है कि जब आप यहाँ पे आते हैं और बैठते हैं और आप देखते हैं कि आप मेरी जो सोच है, मेरे जो ड्रीम्स हैं वो इन लोगों की तरह है, क्या होता है कि वो आदमी लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर होकर रह जाता है और सारे ड्रीम्स पूरे करते हैं लोगों के ड्रीम्स। तो मीटिंग सेमिनार और ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना इसी वजह से जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आपको संगति मिलती है। कई कुछ लोग कहेंगे कि हर बार वही एक चीज़ बतानी है, भाई हर बार एक ही चीज़ बतानी है तो मंदिर में भी एक ही प्रसाद चढ़ाना है, आप अगर अलग अलग हर बार भी लड्डू काजू लेके रखते आदमी कोई गुलदा नहीं चढ़ने वहाँ पर है ना। तो मेन चीज़ क्या है, आपको रेगुलर मीटिंग अटेंड करनी है। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ये इसकी कीमत है, ठीक है। तो क्योंकि सफलता ऐसा नहीं है कि वो आएगी और आपके गले में हाथ डालेगी और ये कहेगी लो मैं आ भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और आपके सामने पड़ी हुई आपको मिलेंगी, इससे कीमत देनी पड़ेगी। बिना कीमत के कुछ नहीं मिलता, या कुछ मिला हो तो मुझे बता देंगे है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलर सिस्टम में रहना पड़ेगा। कह सकते हैं क्या वो जो ड्रीम्स आपने देखे हैं, क्या उन ड्रीम्स के लिए इतनी भूख हमारे अंदर है कि उसके लिए ये एक से डेढ़ घंटा हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। कुछ लोग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब उसके बाद ये भोगा कैसे, उसके बाद इसकी प्लानिंग, जो प्लानिंग क्या है, नेटवर्क बिल्ड करना है। आप लोग कह रहे हैं मैं अपना प्लान नहीं देता, मैंने भी करते लोग अपने प्लान नहीं देखा, फर्स्ट टाइम है, बाकी सबने देखा हुआ है, आपने भी देखा। तो आप ये समझो कि प्लान एक अलग चीज़ है, भाई ये समझ लीजिए कि गाड़ी आपको चलानी नहीं आती, ये मान लीजिए गाड़ी आप चलाना जानते हैं, उसके बाद के सफर के बाद बता रहा हूँ, गाड़ी चलाएंगे कहते हो मैं अभी आपको बता दूँ। चलिए ये थोड़ा सा बता दूँ मैं प्लान के बारे में, देखूँगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो बिजनेस है ये बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। जानकारी है आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में है, चलिए मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, इसमें मोबाइल में जो सिम है वो कौन सी कंपनी का है, बिल्कुल सबसे बात है। तो जो जियो का जो सिम है तो आप क्या है, जियो कंपनी के कस्टमर नेटवर्क में है आप, आते कि नहीं, आप जियो कंपनी के कस्टमर नेटवर्क में हैं। आप हर महीने एक निश्चित निर्धारित राशि आप जियो कंपनी को देते हैं, है ना। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करूं आपके घर में पेस्ट कौन सा यूज होता है, पतंजलि, तो पतंजलि के जो पेस्ट आप यूज करते हैं आप हर दिन डेली एक डिमांड क्रिएट करते हैं पतंजलि के पेस्ट के, जैसे ही वो खत्म होता है तुरंत आप शॉप पे जाते हैं और ले जाते हैं, है ना। तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट पतंजलि को दे रहे हैं हर महीने, क्यों, क्योंकि आप पतंजलि के कस्टमर नेटवर्क में हैं, आते कि नहीं।
मैम घर के अंदर सर्फ कौन सा यूज होता है? नहीं, इससे पहले सर्फ एक्सेल। तो अब जब सर्फ एक्सेल आपके घर में यूज होता था तो आप क्या थे? सर्फ एक्सेल के कस्टमर नेटवर्क में, ठीक है नहीं? सेम इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं बात करूँ कि साबुन कौन सी यूज होती है भाई साहब घर में, कौन से साबुन यूज होती थी घर में या होती है? अभी आवाज आएगी लक्स। अब लक्स वाला हमारा कोई रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं लक्स कंपनी के लिए हर महीने डिमांड क्रिएट करते हैं और वो लक्स जैसे ही खत्म होती है दोबारा दूसरी लक्स आती है। तो यानी कि इन सब लोगों ने क्या किया, जितने भी करोड़ों करोड़पति लोग हैं हम काम करते हैं 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपये के लिए। जियो का मालिक काम करता है सिर्फ एक बंदे से 130 रुपये के लिए। पतंजलि का पेज मोस्टली से 50 करोड़ रुपये का होगा, एक घर से सिर्फ 50 करोड़ रुपये खरीदने के लिए, है ना? वो कम अमाउंट पर काम करते हैं लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उनकी अर्निंग ज़्यादा होती है। तो इन सब लोगों का क्या है, एक कस्टमर नेटवर्क है। सुबह से लेकर शाम तक यूज होने वाली हमारे घरों के अंदर लगभग 100-150 आइटम होती हैं, तो हम कहीं ना कहीं मार्केट से लेके आते हैं, उनको हम कंज्यूम करते हैं। तो जब हम उनको कंज्यूम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कस्टमर नेटवर्क से हैं, उनको अब जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आपके कस्टमर नेटवर्क में कौन है? कोई व्यक्ति यूज करो और आपको कहना चाहते आदमी जब आप कोई व्यक्ति प्रोडक्ट यूज कर रहा हो और आपके पास पैसा है, आपके पास कोई कस्टमर नेटवर्क है, जैसे जियो के पास तो आप हैं, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं, है ना? पतंजलि के पास हजारों लाखों लोग हैं, आपके पास है कोई? हाँ जी है नहीं। अब मेन चीज़ यह आती है कि पैसा वो लोग बनाते हैं जिनके पास नेटवर्क होता है। मैं अपनी बात को क्लियर कर पा रहा हूँ, पैसा वो लोग कमाते हैं जिनके पास नेटवर्क होता है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे फवारा लगा हुआ है और मैं यहाँ पे स्नान करके यहाँ से निकलता हूँ और मान लीजिए भाई साहब आपको अपना स्वर्ग विदा करना है तो क्या करना पड़ेगा? जाके खड़ा होना पड़ेगा, है? अब अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम भी अमीर बने, हमारे भी ये सपने पूरे हों, हम भी ज़्यादा पैसा कमाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो काम अमीर लोग कर रहे हैं वो काम हमें करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर पहुँच पाएंगे। सिंपल क्लियर है ना, ये छोटी सी चीज़ें, एक कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो अब जो काम अमीर लोग कर रहे हैं वही काम हमें करना पड़ेगा, तब हम वहाँ पर, यानी कि जैसे ही जब मेरा सर जिंदा हुआ था तो आपको सर जिंदा करना तो वहाँ पे थे। तो अमीर लोग क्या करते हैं, कस्टमर नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है? अब अगर हमें कस्टमर नेटवर्क बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जियो ने क्या किया, 10 साल पहले करोड़ों अरबों रुपये खर्च किए थे, 10 साल तक हर साल अरबों रुपये खर्च करता रहा, और 10 साल बाद जब जियो शुरू हुआ तब वो काबिल हुआ एक आदमी से एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो ये करना पड़ेगा, कर सकता है कोई यहाँ पर लगा सकता है कोई नहीं, है ना? सर्फ एक्सेल अभी यूज किया आपने तो सर्फ एक्सेल के लिए करोड़ों अरबों रुपये का प्लांट लगा हुआ होगा, हमारी तो है कि नहीं, है ना? कैसे आओ, है ना? तो उसके लिए व्यक्ति देखा है कंज्यूमर एम्पावरमेंट जो, जिसके अंदर हर एक व्यक्ति को फ्री में प्लेटफॉर्म मिल जाता है, इस तरीके से। और एग्जाम्पल उसमें बेनिफिट क्या होता है मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए घर के अंदर कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्योंकि हम कस्टमर नेटवर्क बनाएंगे तो उसको कुछ फ़ायदा देगी, अभी तो कस्टमर बनेगा वो हमारा, है ना? जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल शर्दा जी, मैं आपके पास घर आया और मैं आपके पास बैठ गया और मैं आपको कुछ सवाल करता हूँ, ठीक है? ईमानदारी के साथ में जो आपको अच्छा लगे अपने विवेक के साथ साथ मुझे आंसर दे। जैसे कि आप मान लीजिए शर्दा जी, आपके घर के अंदर जितना भी बहुत प्रोडक्ट यूज होता है सुबह से शाम को, अगर वो कहीं ना कहीं आपके पास मार्केट से आता है, क्या उसके ऊपर आपको कोई डिस्काउंट मिलता है? नहीं मिलता। अच्छा, जब आप सामान यूज करते हैं क्या रेगुलर बेसिस पर कोई सामान फ्री मिलता है आपसे? तो नहीं मिलता। अच्छा, जब आप सामान खरीदते हैं तो हर महीने घर का सामान आता है,
कोई महीना या दिन ऐसे याद है जिसमें पूरे महीने का सामान खरीद लिया नहीं था? अच्छा, जब आप सामान खरीदते हैं क्या अगले महीने कोई कैशबैक आपके अकाउंट में आता है? नहीं आता। ठीक है, अब अगर मैं आपको कोई ऐसी शॉप बताऊँ जो इंटरनेशनल लेवल की शॉप हो और ये चारों फायदे जो आपको मार्केट से नहीं मिलते आपको मेहनत तो कैसा रहेगा? वो फायदे क्या है? जैसे कि मान लीजिए जब भी आप सामान खरीदते हैं 10-20% का आपको डिस्काउंट मिले, यानी जो 300 रुपये की आइटम है वो आपको 250 रुपये की मिले, कुछ भी चाहे वो कॉस्मेटिक हो चाहे जनरल आइटम हो चाहे हेल्थ हो चाहे दूसरा आइटम हो, जब यही सफिशियंट है और चाहे मेरी दूसरा 10% की मिलती है आपको स्कीम, यानी कि जब भी 217 तारीख के बीच में आप 1000 रुपये का सामान खरीदते हैं तो 100 रुपये का सामान आपको फ्री मिलता है। कैसा फायदा है? अच्छा, पूरे घर का जनरल आइटम का खर्चा 3-4 हज़ार हो ही जाता होगा, लगता ही हर महीने होता है, कभी कभी होता है, तो कभी कोई महीना या दिन ऐसा तो याद नहीं जिस महीने सामान खरीद रहा हो। लेकिन यहाँ पर मान ही सकते हैं कि आप 3000 रुपये का सामान जो आज तक मार्केट से खरीद रहे थे वो यहाँ से लेना शुरू करते हैं और आप 4 महीने तक इस सामान को यहाँ से खरीदते हैं तो 5वें महीने 3000 MRP का सामान आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, यानी कि पूरे घर का खर्चा कैसा फर्क है? ये मान ही चलो कि आज 5वां महीना है और सारे घर का सारा सामान फ्री आ गया, कैसे देंगे? और अगले महीने क्या है? दिवाली, कैसी मनेगी? है ना, जिसको 500 रुपये पटाखे दिला रहे होंगे बच्चों को ले बैठे तो 3000 के लेंगे, होगा नहीं जी? तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा बिल किसी दूध वाले का या कोई आपका रुका हुआ होगा, शायद वो आप बाहर भी भाग रहे नहीं, क्योंकि जो आपकी जो इनकम का पार्ट जो आपके खर्चों में जा रहा था जो आपकी पॉकेट में बच गया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही जी। तो 3000 × 4 की बैठ कर 12000 के बाद ऊपर 3000 रुपये का जो सामान फ्री मिलता है लगभग ये 20% बैठा है। उसके बाद 5% से 20% का आता है कैशबैक, यानी जब भी सामान खरीदेंगे तो अगले महीने आपके खाते में 100 रुपये अकाउंट में भी आएंगे। अच्छा फायदा है। तो अगर हम इसके मिनिमम साइड को जोड़े 10, 10, 20 और 5 से बैठता है लगभग 45%, और अगर हम इसके मैक्सिमम साइड को जोड़े 20, 10, 20, 20 तो ये बैठता है 70%। ओन एंड एवरेज इसको 50% भी मान लिया गया सरकारी और सारे पूरे साल का घर का खर्चा मान सकते हैं आपका 50,000 रुपये है पूरे साल का, तो कितना हो जाएगा वो 25,000। तो सारा सामान मार्केट रेट में है, बेटर क्वालिटी है, केमिकल फ्री है, 100% रिफंडेबल गारंटी के साथ है, प्रोडक्ट लो यू तो आजाद आता है ठीक वापस करके नहीं कर दो। क्या कोई वजह होगी कि कोई आदमी मना करे? अगर मैं आपको ही ऑप्शन दूँ क्या आप मना करोगे? क्योंकि देखो भाई जब तक हमें पता नहीं है कब तक तो हम गड्ढे में गिर रहे हैं, लेकिन जिस दिन पता चल गया कि बच्चा जा सकता है तो बचेंगे भी नहीं बचेंगे। अगर 10 रुपये का भी फायदा होता है ना तो अपनी रिश्तेदारी छोड़ के 10 दुकान छोड़ के मार्केट ले जाता है बंदा 10 रुपये के पीछे, और ये कितना मार्जिन है? अब वो जो लोग हैं यहाँ पे जो खड़े थे जो सर्विस वाली बात बताई थी कि जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? अपना कस्टमर नेटवर्क बना रहे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं? कस्टमर नेटवर्क बना रहे हैं, है ना? सब एक्सल कस्टमर नेटवर्क, जीरो कस्टमर नेटवर्क, इस वजह से अब हमें क्या करना है? पहले तो खुद कस्टमर बनना है ना, और फिर उसके बाद क्या करना है? अपने कस्टमर नेटवर्क बनाना है। तो कस्टमर नेटवर्क बनाना आसान है कि नहीं? अगर किसी आदमी की जेब से 50,000 रुपये खर्च हो रहे हैं और आप उसे कह रहे हो भैया बहुत बढ़िया क्वालिटी है ये है वो है फलाना ढिकाना, और 50 की जगह आपको 55,000 रुपये खर्च करने हैं, एक तो तरीका ही है। एक तरीका यह है बहुत बढ़िया है अच्छी क्वालिटी है ये है वो है फलाना ढिकाना डिस्काउंट है ये है वो, और 50,000 जमा 25,000 मिल रहा है, ये ज़्यादा आसान है। आसान कौन सा है? ये वाला आसान है ना, तो आसानी से कस्टमर नेटवर्क बन सकता है कि नहीं? अब कस्टमर नेटवर्क बनने से हमें बेनिफिट क्या होगा मैं आपको ये बता, ये तो क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद यहाँ पर आपको 4 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है? आपको 100 से 200 लोगों की लिस्ट बनानी है। जब भी आपकी दुकान खोलते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं? सबसे पहले मुहूर्त करते हैं ना, तो वहाँ पर आप अपने
क्या दोस्त भाई बहन सगे संबंधी सबको बुलाते हैं, है ना, किसलिए बुलाते हैं, ये बताने के लिए भाई हमने एक नया काम शुरू किया है। तो आपने क्या करना है, 100 से 200 लोगों की लिस्ट बनानी है, बन सकती है। दूसरा काम क्या करना है, अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे प्रतिदिन आपके यहाँ पे लगाने हैं, लग सकते हैं। तीसरा काम, लगभग 3,000 रुपये के करीब का जो सामान आज तक आप किसी लाला बनिए से एक्स वाई जेड कहीं से भी लेकर आ रहे थे वो मार्केट से न लेके वहाँ से लेना, ले सकते हैं। क्यों लेना है, बहुत सारी चीज़ें बताई मैंने, सामान क्यों खरीदना है यहाँ से, प्रॉफिट है और क्या, क्वालिटी बढ़िया है, केमिकल फ्री है, डिस्काउंट है, ये है वो है, है ना, इस वजह से नहीं खरीदना, इस वजह से खरीदना है तो ये सामान है ना, वो जो लंबी वाली गाड़ी है ना, लंबी सोची होगी वो इंतजार कर रही है। चौथा काम क्या करना है, ये ऐसे लोग ढूंढने हैं जो 50,000 रुपये पर मंथ की इनकम देना चाहते हैं, ठीक है। अब कोई एक आदमी कैलकुलेटर खोल लेना, क्योंकि इसमें इनकम थोड़ी सी बढ़ गई, पहले 100 रुपये के हिसाब से भी अब ज़्यादा हो गई। तो मान चलते हैं यहाँ पर आप आते हैं और पहला महीना है, आपने करना क्या है, 100 से 200 लोगों की लिस्ट में, मान लीजिए कोई श्रद्धा जी हैं, कोई आपकी फ्रेंड पूजा होंगी, है ना, कोई अर्चना होंगी, है ना, इस तरह से बहुत सारे नाम होंगे, तो वो आपकी फ्रेंड्स हैं। आपने करना क्या है, आपने फ़ोन किया कि बहन क्या कर रही है, काम कर रहे हैं, मुझे तो थोड़ी देर तुम्हारा टाइम दिया था, बहुत अर्जेंट ऑफिस से बात करी, वो कहेगी फ़ोन पर बता दो, आपको नहीं बहुत जरूरी है, बस कॉन्फिडेंस है, फ़ोन पर ही इतना हमने ईमेल बना रखी है कि वो टाइम दे देगी, आप गए कैसे बातचीत करिए, मान लीजिए थोड़ी मुश्किल आप इनके पास, और जो मैंने आपको बोला उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, क्या पहला सवाल, कोई डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई सामान फ्री मिला क्या, कभी किसी पूरे महीने का सामान फ्री मिला था, कोई खाते में पैसे वापस आते हैं, इस सारे इंजन से पूछ रहा है, ये नहीं 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 तो नाटक में आता है ना, एक ही बात का कई अब जब नहीं नहीं कहा फिर आपने इनको हाँ हाँ वाले चार चीज़ें बताई कि देख बहन यहाँ पे 10 से 20% का डिस्काउंट है, 10% की स्कीम है, एक महीने का सामान फ्री है और हफ्ते में पैसे भी वापस आते हैं और सारा सामान मार्केट रेट में है, बेटर क्वालिटी है, केमिकल फ्री है, 100% डिपेंडेबल गारंटी के साथ है, क्या कोई वजह होगी कि आप अंदर होंगे, वही एक व्यक्ति मना कर सकता है। तो यहाँ पर मान चलता है पहले महीना आपने पहला दिन तो ये हो गया, ये 2 से 3 घंटे कहाँ पर लगाने हैं, अगला दिन सुबह फिर हुआ, सुबह क्या करोगे आप, क्या करेंगे जी अगले दिन सुबह, किसी दूसरे आदमी को फ़ोन मिलाओगे, है ना, क्या कहोगे उसे, क्या कहोगे, जोर से बोलो ना, क्या कहोगे उसे, आज क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है, 10 मिनट का टाइम मिल सकता है तुम्हारे लिए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मेरे पास, बोले क्या मिलती बताऊँगी क्या बताऊँगा, गए बैठे बातचीत करी तो करे क्या, चार सवाल, क्या कोई डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई सामान फ्री मिला गया, कभी पूरे महीने का सामान फ्री मिला गया, कोई सफा मिल जाएगा, सिंपल, वो क्या कहेंगे, नहीं आता, नहीं चार बार नहीं बोलेगा, फिर उसके बाद आपने उसे सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन देने के बाद उसको बता दिया कि भाई जल्दी से आधार कार्ड लेगा, अभी फिलहाल के टाइम पे कोड फ्री में जनरेट हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चार्ज लेना शुरू हो जाए, और आपने मिस्टर बी को यहाँ पे लेगा, ठीक है, इसी मिस्टर सी को लेगा, मिस्टर डी को लेगा, इसी तरीके से आपने मान लीजिए पहले महीने 6 लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया पहले महीने, अब ये जो 6 लोग हैं पूरी लाइफ जितना भी सामान यूज करेंगे, जैसे आप पतंजलि लिया जो लोग यूज कर रहे हैं ना, जितना भी सामान यूज करेंगे आपकी सेल में काउंट होगा, तो उसके ऊपर आपको पैसा है और उस पैसे से ये सारी चीज़ें पूरी होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, पहले महीने 6 बजे का आप कितने होंगे, 7 आदमी अगर मान लीजिए जब 3,000 रुपये का सामान खरीद रहे हैं तो सामान कितना हुआ, 21,000, ठीक है। अब अगर हम किसी भी फील्ड में कहीं पे भी अगर हम पैसा कमाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करते हैं, टर्नओवर करते हैं, उस टर्नओवर के ऊपर हमें इनकम होती है, क्लियर है जी,
चाहे वो कहीं ब्यूटी पार्लर हो, चाहे वो किसी दवा की दुकान हो, चाहे कोई होटल हो, चाहे वो ट्रेवल, जितना ज़्यादा टर्नओवर हम जनरेट करते हैं उस हिसाब से हमारी समस्या हमें इनकम होता है। सही है भाई साहब। नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, अब यहाँ पर आपने जैसे 6 लोगों को बताया, अब ये 6 लोगों को भी आपने बताया कि भाई 3 महीने के अंदर 50,000 के महीने की इनकम ले सकते हैं, वो कहेंगे कैसे, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना है चार काम। दो से दो सौ रुपये बेचना नहीं, दो से 3 महीने काम करना, 3,000 रुपये का सामान हो मार्केट से खरीदना, यहाँ पर खरीदना, 6,000 लोगों को भरना, जो 4,000 रुपये में कमाना था, मिल जाएंगे ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने इनको सिखाया, जैसे कि हमने आपको सिखा रहा था ना, तो आपने क्या किया, आपने इनको सिखाना शुरू किया कि मुझे किसी करना चाहिए, ये काम करें, मुझे फ़ोन करना, जाके बैठना, सवाल पूछना, चाय पीनी, सवाल पूछने, थोड़ा सा देर करता रहे ठीक है। और इस तरीके से आपने 6 लोगों को इकट्ठा किया, मुझे बुलाया और पूरी लीडरशिप है, जैसे कि अभी ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग हुई, और क्या हो सकता है, यहाँ पर 10-15-20 आदमी मिल रहे हैं, उस टाइम पर 1.5 आदमी मर सकते, माहौल और ज़्यादा गर्म हो गया। और मान लीजिए यहाँ पर 3 लोगों को भी अगले महीने के अंदर सिर्फ 6 लोगों को, मान लीजिए शहजाद जी आपने कसम उठाई कि भैया मैं इसको डेली काम को करूँ, डेली एक आदमी पास ठीक है, और 30 लोगों के पास गए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि अगर इसको 500 का नोट दो तो लेगा नहीं, तो कहते हैं चाहे नक्सी हो, जो अच्छी चीज़ बताओगे ना उसको समझ नहीं आती, नेगेटिव तो एकदम से चले जाता है, पॉजिटिव नहीं जाता, क्योंकि पॉजिटिव ऐसा होता है, तो नेगेटिव के ऑफर सीधे चले जाता है ठीक है। तो आपने क्या किया, 30 दिन में 30 लोगों को बताया, तो 24 ने मना कर दिया, 6 तो आ ही जाएंगे, कितना नेगेटिव तो हो ही सकता है। अगले महीने 6 लोगों ने भी 30-30 लोगों को बताया, ये भी 6 को लेकर आ जाएंगे, आ जाएंगे नहीं, तो 6 लोगों को बताते हैं, लोग कितने हो गए, 36, अरे 7 पहले हैं, क्योंकि कमिटमेंट 12 महीने का है, तो 7 ही हो गए, तो टोटल हो गए 43, और 43 लोग अगर 3,000 का सामान खरीदते हैं तो सामान कितना होगा, 1,29,000। जब टर्नओवर बढ़ा तो इनकम भी बढ़ेगी। आपने कितना सामान खरीदा, अपनी जरूरत का सामान खरीदा, जो मार्केट से बेचा तो नहीं ना, और जो खरीदने वाले लोग थे उनकी संस्था बना, आपके भाई बहन दोस्त रिश्तेदार लगभग 100 के आसपास होंगे, अगर एक घर में 3,000 रुपये का सामान यूज हो रहा है तो सामान कितना होगा टोटल, 3,00,000। और अगर सच नहीं हुआ आपके रिश्तेदार भाई बहन सगे संबंधी सच नहीं हुआ, आपको अपना बताते हैं, और आपने उनसे कहा कि भैया मेरे मामा चाचा भाऊ मैंने अपनी दुकान खोली आज के बाद सारा सामान याद आएगा, तैयार होंगे भी नहीं, और अगर नहीं तैयार हो रहे हैं तो सोचो करने की जरूरत, यानी कहने के रिश्तेदार है, कहने के लोग है ना। उसके बाद क्या हुआ, तीसरे महीने ये जो लोग थे, अब आपने 6 को बताने के बाद लोगों की मदद करनी है, और आपने मान लीजिए इनके भी 6 लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया, इधर भी और इधर भी, तो जब 36 लोग 6 लोगों को बताते हैं तो लोग कितने होंगे, 216 प्लस 43 पहले भी हैं, क्योंकि सामान तो हर महीने खर्च होना है, मिलाकर हो गए 259, और हर आदमी अगर 3,000 रुपये का सामान खरीदता है, सामान कितना हुआ, 7,77,000 77,000। यहाँ पे आपकी इनकम लगभग 60,000-70,000 बैठती है, लेकिन कम से कम भी 50,000 रुपये आती है। ये चीज़ मैंने 3 महीने में लगाई ठीक है, लेकिन अगर इस काम को करने में एक साल भी लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या फिलहाल आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि 2-3 साल बाद 50,000 रुपये महीना कमाना शुरू हो है जी, पार्ट टाइम 2-3 घंटे, और मान लीजिए आज 1 साल हो चुका है, पूरी टीम आपकी हो चुकी है, 50,000 रुपये आपके पास आ रहे हैं एक्स्ट्रा, तो मैं सोचता हूँ ज़्यादा नहीं हो, एक छोटी आपकी गाड़ी को मेंटेन किया जा सकता है, या मान लीजिए जब आप अपने साथ फैमिली के साथ कहीं जा रहे होंगे, तो उस टाइम पे किसी होटल में बैठ के जब आप उनको डिनर करा रहे होंगे, लंच करा रहे होंगे, उस टाइम पे शायद हमें राइट साइड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो होता क्या है, होटल में जाते हैं मेन्यू तो ऐसा देखते हैं, पता नहीं क्या क्या मंगाएगा, लास्ट में आके ऑर्डर देते हैं दाल फ्राई का, करते हैं कि नहीं, मंगाने तो लास्ट में दाल ही है, देखते जा रहे हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ अर्निंग हो रही होगी तो क्या होगा, बच्चों मंगाओ उंगली रखो दो महीना,
ठीक है। कोई मान लीजिए आप किसी शोरूम में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि यार इतना अच्छा ब्रांड है, आप नीचे कहना कर देंगे 20,000 रुपये की ड्रेस देर लगेगी खरीदने नहीं लगेगी। और जब आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा, और मान लीजिए जैसे कि अभी मेरी छोटी बहन उसकी मैरिज हो गई और अब वो 1.5 से 2 लाख रुपये पर मंथ की इनकम दे रही है, ठीक है। शायद कोई भाई अपनी बहन को 500 रुपये देते हुए सोचता है अकाउंट में, लेकिन मैंने ऐसा काम किया कि हर महीने उसके अकाउंट में 1.5 से 2 लाख रुपये अकाउंट में आएंगे, वो चाहिए जो भी वो फीलिंग आपको। अगर मान लीजिए सब कुछ करने के बाद आज आपने मेहनत करनी शुरू करी, तो आपसे 1 से 1.5 साल बाद यानी कि मैरिज से पहले पहले आप 1 लाख रुपये महीने से पहुँच सकते, ठीक है। लड़का कैसा मिलेगा लगा नहीं, अपनी शर्तों के हिसाब से हम शादी कर सकते हैं कि नहीं। लाल क्या है, लाल तो गाय की तरह जहाँ सही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सेम यही चीज़ है, अगर आपकी भी अच्छी अर्निंग होगी तो लड़की भी अच्छी होगी, तो ये चीज़ है। और बहुत सारे ड्रीम शायद वो जो हमारे मदर फादर सोचते थे जब हम छोटे थे कि मेरा नाम रोशन करेगा या करेगी, तो जब एक अच्छी अर्निंग आ रही होगी तो आप हमारे भगवान के बहुत सारे काम करोगे, ये सब चीज़ें यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने क्या किया, ये कस्टमर नेटवर्क बनाया। ये कस्टमर नेटवर्क आज भी बन रहा है, कैसे, जब मेरे भाई ने जियो का सिम लिया तो उन्होंने 10-15-20 लोगों को बताया, उसमें से एक मैं भी था। मैंने जियो का सिम यूज़ किया, मुझे लगा बढ़िया है, तो मैंने भी 10-20 लोगों को बताया, 3 लोगों ने भी बताया होगा, जब इनको बताया तो इन्होंने भी बताया, यानी कि नेटवर्किंग हम पहले ही कर रहे हैं। तो पहले हम जो कर रहे थे उस काम को हम बोल रहे अनपेड नेटवर्किंग, उस काम को करने का हमें पैसा नहीं मिलता। यहाँ पे ये काम हमने बेस्टीज के लिए करना शुरू किया कि ये सारा का सारा सेक्शन आपके विजिबल है, आपके डाउन में काउंट होगा, और जिंदगी भर इनकी पुस्तें साबुन तेल के चाय पत्ते जनरल आइटम यूज़ करती रहेंगी और आपको पैसा करेंगे। वो यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना डिस्काउंट है, इतनी अच्छी क्वालिटी है, इस वजह से आप यूज़ करें। क्लियर है, ये मैंने शॉर्ट में इसका प्लान दिखाया। अगर पूरा इसकी कैलकुलेशन समझ रही हो तो यूट्यूब का राजकुमार शर्मा बेस्टी लिखो, जिसमें मेरी पूरी वीडियो अच्छा था 30-40 मिनट की, उसमें टोटल डिटेल दी गई, ठीक है जी। तो अगर ये ऐसा कुछ होता है अर्निंग हो सकती है कि नहीं, और जल्दी तक आपके नीचे तो 50,000 रुपये महीना कमाने वाला आ गया ना, तो हर 6 महीने में आपको क्वारंटाइन देगा। अभी जैसे कि साउथ अफ्रीका लेके गए तो स्टार क्रूज लेके गए थे, अभी लेके जा रहे हैं मलेशिया, और अगले साल अगस्त के महीने में हम जा रहे हैं स्विट्जरलैंड, ठीक है। जो सर एक ड्रीम होता है, और 8 दिन तक वहाँ पे जो 5-7 स्टार होटल होंगे, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी होगी, वहाँ पे जाके जब आप रुकोगे ऐसा वहाँ के बाथरूम में भी घुसकर रखोगे तो अगर उंगली लगा दी तो बंदा ना हो, सही बता रहा हूँ। ऐसे थे वहाँ पर, मेरे पास फोटो है, लेकिन जो देखी वो दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो वो सारे ड्रीम पूरे होंगे भी, और गलती से अगर आपने 2 लोगों को 50,000 रुपये की इनकम से पहुँचा दिया, BMW ओडी मर्सिडीज जैसे की गाड़ी के बारे में सोच सकते हो आप, यहाँ पर बहुत सारे हैं, अभी 2 महीने के अंदर ले रहा हूँ ओडी का। फिर अगर 3 लोगों को और इस इनकम से पहुँचा दिया तो यहाँ पर लगभग 1 लाख रुपये आपको हाउसफुल अलग से मिलना सो जाए, और अगर 20 लाख रुपये महीना श्रद्धा भी सिर्फ घर के आपको मिलना पड़ेगा, उसको मेनटेन करना पड़ेगा। लग्जरी कर सेंट्रल एसी कर सकते हैं, यानी कि बात में भी एसी है नहीं, हो सकता है कि नहीं, यस। अब सब लोगों के पूरे हो रहे हैं ना, किन लोगों के पूरे हो रहे हैं, उन लोगों के पूरे हो रहे हैं जो कस्टमर नेटवर्क बना, ठीक है। अब अगर हमें मान लीजिए नॉर्मल लाइफ जीनी है तो नॉर्मल काम करो, लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है तो मार्केट से हटके करना पड़ेगा, हमें भी अपना कस्टमर नेटवर्क बना। ये इसका मार्केटिंग प्लान था। अब इसके अंदर ये जो प्लान मैंने आपको दिखाया, अब इसमें जो प्लानिंग है, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग ये है कि अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से सहारनपुर जाने में 3 घंटे का समय लगता है, ठीक है, आपको कितना टाइम लगेगा मुझे यहाँ से सहारनपुर जाने में 3 घंटे का टाइम लगता है, तो जब आप चलेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे आपको कितना लगेगा, 3 घंटे आपको, 3 घंटे लेकिन शर्त यह है कि चलना शुरू करें,
खड़े खड़े नहीं 3 घंटे लगेंगे, खड़े खड़े तो यहीं रह जाएंगे, समझा नहीं। तो जब मान लीजिए 3 घंटे का टाइम कहीं पर लगता है तो 3 घंटे। अब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई कि 10,000 रुपये 2 से 3 महीने के अंदर अपनी बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए यहाँ पर आप ले सकते हैं, 4 से 6 महीने में 50,000 रुपये की इनकम ले सकते हैं। यहाँ पर 1 से 1.5 साल में लगभग यहाँ पे 2 से 2.5 लाख रुपये का आइटम, यानी कि लगभग 1 लाख रुपये के आसपास की इनकम ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? जब ये जो प्लानिंग है ना, जो पाथवे जो बन के आया था, उस पाथवे पे जब हम चलना शुरू करेंगे, ठीक है। वो भी देखिए, दो तरह की ग्रोथ होती है, होती है इंटरनल ग्रोथ और एक होती है एक्सटर्नल ग्रोथ। अगर किसी बीज को जमीन में बोया जाता है तो क्या होता है, एक दूसरे बाहर निकल के फल देना शुरू कर देता है, वो जड़े बनाता है, है ना। जड़े मतलब नॉलेज, फेथ यानी कि विश्वास बिल्ड करता है। यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा काम करना है फेथ के ऊपर। कम से कम 20-30-40 वीडियो देख लो सबसे पहले इसके। आप अभी आपको किसी को बताना नहीं है इसके बारे में, ठीक है। आपने करना क्या है, इस बिजनेस से रिलेटेड मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सारी वीडियोज सेंड करता हूँ, तो वो वीडियोज आपको देख लेंगे। फेज बिल्ड हो गया यहाँ पे, फेज बिल्ड होने के बाद फिर आपकी प्लानिंग है। प्लानिंग क्या है, आपको 100% प्रोडक्ट यूज, 100% प्रोडक्ट यूज करना है, करे जा सकते हैं। यस, मान लीजिए आप नए ना, आपका नाम शिवम, तो शिवम भाई मान लीजिए आपने शुरू कर दिया काम करना, कोई एक्स वाई जेड कोई मिस्टर या मिसेज जो भी है आपके घर में आए और आपने बड़े जबरदस्त तरीके से उन्हें पूरी प्रेजेंटेशन दी कि देखो जी यहाँ पे इतना डिस्काउंट है, ये है, वो है, सब कुछ, और बंदा बिल्कुल रेडी, और उसने कहा भैया जरा एक मिनट वॉशरूम जाना है, वो गया वॉशरूम में और वहाँ पर देखा मेरी सुंदरता का राज वो रखा है वहाँ, ठीक है। और आप बता रहे हो वेस्ट चीज के प्रोडक्ट के बारे में, तो जब वो वापस आपके पास आके सोफे पर बैठेगा वो क्या सोच रहा होगा, मेरी बात फिर वो बना, है ना, वो क्या कहेगा, या तो इसके प्रोडक्ट में कमी है, इसके दिमाग में कमी है, सीधी बात है भैया, तो मतलब प्रोडक्ट में कमी है, सीधी सी बात है ना भाई। मान लीजिए आपने कोई मतलब कॉस्मेटिक का जनरल स्टोर खोल दिया और सामने भी एक इनका है और मुझे कह रहे भैया मेरे यहाँ से लेना, जबकि आप बाकी का हो तो यहाँ पे लेकर आना, ठीक है। और आपको मैंने देख लिया इनकी दुकान का सामान खरीदते हुए, फिर मैं क्या समझूंगा, ये चीज़ समझूंगा ना, दो में से एक कारण है, या तो प्रोडक्ट में कमी या फिर दिमाग में, क्या दिमाग में, ठीक है जी। तो कोई हमारे बारे में ऐसा ना सोचे, तो आपको 100% ईमानदार रहना है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि आप उस परीक्षा में अगर हम पास होता है तभी तो हमें वो इनाम देगा, यस ऐसे ही होता है ना। एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, एक बार क्या हुआ, एक राजा के 4 बच्चे थे। अब वो सोचता है चारों चारों जुड़वा गए, जैसे कि जुड़वा होता है ना, चारों एक साथ ही गए, ठीक है। तो जब वो सोचता है राजा की जब, तो उसने क्या किया, चारों की तिल्ली दी छोटी और ये कहा तिल्ली को ऐसी जगह छोड़ के लेकर आओ जहाँ पे कोई दूसरा गया, बेडरूम में गया, उसने पर्दे वर्दे डाले और लाइट क्लोज की, तो तीसरा दिन की तरफ गया, कोई नहीं देख रहा, छोटा बच्चा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद वापिस आता है, उसके पकड़े खड़े हुए सारी की बड़ी भीड़, उसका बाप परेशान था, वो कहते बेटे हिंदू से पागल हो गए, कहाँ चला गया था, कहते पिताजी आपने जो तिल्ली दी तोड़ने के लिए, अरे तिल्ली दिल्ली गई बाहर में आपको कहाँ चला गया, हम परेशान हैं, लेकिन पिताजी मुझे तिल्ली दी थी आपने तोड़ने के, सब कुछ तोड़ के लिया तिल्ली नहीं तोड़ पाया, फिर लोहे की थोड़ा है नहीं, पिताजी मैं पूरी दुनिया घूम के आ गया, मुझे एक ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पर वो प्रवाला नहीं देता। तो अगर हम चुपचाप चोरी से अगर हम कोई काम सोचते हैं कि यार किसी को क्या पता चल रहा है, यूज कर लो हार्ड के, क्या पता चल रहा है, वो देख रहा है हर टाइम, उसके सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है, हर टाइम सीसीटीवी कैमरा हर आदमी के ऊपर फिट है, ठीक है। और लाइफ क्या है, कैफेटेरिया है, यानी कि जब हम इसको देंगे तभी हमें मिलेगा, अगर हम इसको वो चीज़ दे रहे हैं तो हमें कोई मिलेगा, है ना, नकली नोट आ जाएंगे हमारे पास, उससे ड्रिंक पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो
आपने करना क्या है, 100% अपने प्रोडक्ट के प्रति ईमानदार है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, 10 से 15 आपको कस्टमर बनाने हैं। कोई कस्टमर होता है कि नहीं, होता है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने कस्टमर बनाने। तो ये लोगों का बिजनेस नहीं है, टर्नओवर का बिजनेस है। मान लीजिए आप 30 दिन में 30 लोगों के पास गए, उसमें से 5-6 आदमी क्या होते हैं, बाकी लोग क्या हैं। अगर मान लीजिए आप उनसे कहते हैं कि भी अगर मान लीजिए आपको बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट, केमिकल फ्री प्रोडक्ट, रिफंडेबल गारंटी के साथ में मार्केट रेट में अगर मैं आपको होम डिलीवरी अवेलेबल करा दूँ, तो क्या आप लेना पसंद करेंगे, कोई मना करेगा नहीं। और जब जैसे कि पहले वनस्पति घी चलता था, फिर जब देसी घी लोगों ने खाना शुरू किया, वनस्पति छोड़ गया ना, तो सेम उसी तरीके से जब वो यूज करेगा, तो मान लीजिए आपने 1 महीने में 15 कस्टमर तैयार कर दिए, 15 कस्टमर, और मान सकते हैं इनको सिर्फ आपने 1000-1000 रुपये की सप्लाई करी, तो टोटल सप्लाई कितनी होगी, 15,000। क्योंकि जब आप जाएंगे तो होगा क्या, आप जब अपनी प्रेजेंटेशन देंगे तो आदमी या तो करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसमें दो चीज़ होंगी, या तो वो ग्राहक बनेगा या वो बिजनेस बिल्ड करेगा, ठीक है। अगर वो बिजनेस बिल्ड कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ग्राहक बन रहा है तो आपने अपने पास उसका रिकॉर्ड रखना है, और रेगुलर 10-15 दिन उसको कॉल करनी है कि भैया मैं वहाँ पर जा रहा हूँ या जा रही हूँ सेंटर पर सामान लेने के लिए, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो मुझे बता, ठीक है। और आपने 15,000 रुपये का बिजनेस किया एक अकेले आदमी, 15 ग्राहक बना के, और अगर मान लीजिए ये 15 की जगह अब यहाँ पर आपके ग्रुप में मान सकते हैं कि अगर 20 आदमी हैं जो 15,000 रुपये का बिजनेस कर रहे हैं, तो टोटल बिजनेस कितना हो गया, 3 लाख। और यहाँ पर आपका जो चेक बनेगा, अगर 6 लाख से आप इस स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं, तो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये का आपका चेक बनेगा, ठीक है। तो आपने 300 लोगों से संपर्क नहीं किया, सिर्फ आपने 20 लोगों को ट्रेंड कर दिया, 15,000 रुपये का बिजनेस कैसे हो, ये आसान है। पहले तो 15,000 का करना, फिर जब आप कर रहे होंगे तो लोगों को ट्रेंड कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम खाली बोल रहे होंगे और कर नहीं रहे होंगे तो कुछ नहीं होने का। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, अभी सब लोग इस उम्मीद को ऐसे करिएगा तो आप बिल्कुल मेरी और आपकी नज़रों में हमारे मेरे और आपके चेहरे के बीच में कर ले सब, ठीक है, आपके और आंखों के मेरे बीच में, ठीक है। अब आप एक काम करिए, मुझे देख करिए, इस उंगली को जल्दी से अपनी गाल पर लगाओ, कहाँ पर लगाई, कहाँ पर लगाई, है ना, आपने अपनी गाल पर ना, आपकी छुट्टी पर लगाई गाल, ठीक है। देखो मैं एक उदाहरण देना चाह रहा था, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं, लोग वो नहीं करते जो आप बोलते हैं। मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, ठीक है, मैं तो पेस्ट भी पूरा यूज कर रहा हूँ, और मैं करने चीज़ों को करने का नहीं, लोग वो करते हैं जो आप करते हो, मेरी बात ये रही, तो ये चीज़ तो आपको जो है ना 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं, और उसके साथ में लास्ट लिस्ट 3 नंबर पे लिस्ट यहाँ पे आई है, ये सारे सारे काम हो गए। अब उसके बाद आपने करना क्या है, अपना फोकस रखना है अपने गोल के ऊपर, अपने ड्रीम के ऊपर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अब ड्रीम के ऊपर फोकस कैसे रहेगा, इसका भी मैं एक और बताता हूँ। जैसे कि आप अपना अंगूठा करते हैं, ठीक है, अब अंगूठा करने के बाद आपकी और मेरी नज़रों के बीच में आपका अंगूठा होना चाहिए, आपके आई है ना, इस तरीके से करिए आप। अब आप अपने अंगूठे के नाखून को देखिए, ध्यान दें, ठीक है, ये अंगूठा आपकी और मेरे चेहरे के बीच में होना चाहिए ऐसे, यानी कि आपके अंगूठे के बाद मेरा चेहरा आपको दिखना चाहिए, मेरा चेहरा दिखना अंगूठे के बाद, क्या देखो ना, ऐसे आप दिख रहा है ना। तो आप अपने अंगूठे के निशान को देखिए, आप अपने अंगूठे के अंदर जो सलवटें हैं इनको देखिए ध्यान से। जब आप इसको देख रहे हैं तो मेरा चेहरा शायद आपको धुंधला दिख रहा होगा, करके रखिए, दिख रहा है जी। जब आप अपने अंगूठे को देख रहे हैं तो मेरा चेहरा धुंधला दिख रहा है। अब आप एक काम करिए, इस अंगूठे से निगाह हटा के आप अंगूठे को वहीं रखिए, मेरे चेहरे को देखिए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो आपका अंगूठा है वो आपको धुंधला दिख रहा होगा, मेरा चेहरा साफ दिख रहा होगा, ठीक है जी। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि अगर हम अपनी परेशानियों के ऊपर फोकस करेंगे तो हमें परेशानियाँ मिलेंगी,
अगर आप अपने ड्रीम के ऊपर फोकस करेंगे तो आपका ड्रीम आप बन जाएगा। तो आपने करना क्या है, हर टाइम इन चीज़ों को फोकस करना है, इनको विजुलाइज करना है, इनको महसूस करना है कि ये सब चीज़ मैं अचीव कर सकता हूँ। जब ये अचीव हो चुकी होंगी तो लाइफ कैसी होगी, जिस टाइम मेरे पास 1 लाख रुपये महीना आ रहा होगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी, मेरे समाज में इज्जत कैसी होगी, मेरी इमेज कैसी होगी, उस टाइम मैं कैसे महसूस करूँगा कि जब मैं 1 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ, मेरा क्राउन का लेवल होगा और जब मैं आऊँगा तो लोग खड़े होकर मेरे लिए तालियाँ बजा रहे होंगे, उस टाइम कैसे महसूस करूँगा। वो चीज़ आपको महसूस करनी है, वो लाइफ यहाँ पे आपका इंतजार है। और उससे प्रोसेस करना क्या है, इसमें आपने बुक वीडियो मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग होगा, इससे क्या होगा, इससे आपकी इंटरनल ग्रोथ होगी। ठीक है, मैं समझता हूँ लगभग सभी लोगों ने ये वाली ट्रेनिंग पहली बार अटेंड करी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर आए पहली बार आए, आपने देखा थोड़ा बहुत एजुकेशन कुछ नॉलेज मिली थी, थोड़ा बहुत फेथ डेवलप हुआ कि नहीं, हाँ मैं भी 1 लाख रुपये कमा सकता हूँ, हुआ कि नहीं हुआ जी? यस। अब जब ऐसी ही मीटिंग आप लगातार अटेंड करते रहेंगे तो एक टाइम आ जाएगा कि आप यहाँ पर करोगे मीटिंग कर रहे हो और आपकी पॉकेट में 1 लाख रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, ये एक्सटर्नल वर्क ये है, बाहर लोगों को आप तभी डील कर पाओगे जब आप उसको अच्छी तरह से सीख पा रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप करते रहिए, ये तीनों चीज़ डेली करनी है, ये इसकी कीमत है। ड्रीम की बुक पढ़नी है, मेरी किसी को बुक का बारे में ना पता हो कि वो कैसे मिलेगी तो प्ले बुक स्टोर है गूगल का, उसका आप डाउनलोड करिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, जब आप मेरा नंबर फिर करके मुझे आप व्हाट्सएप करोगे। ठीक है, तो मैं वो लिंक भेज दूंगा, उसमें बुक डाउनलोड करके आप उसको बुक पढ़ सकते हैं, 50-100 रुपये की किताब आपकी। उसके बाद वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं बंदा। तीसरा काम क्या है, मीटिंग सेमिनार और ट्रेनिंग होगा, इस तरह की मीटिंग्स हैं वो रेगुलर यहाँ पर होंगे, तो वो कोई ना कोई ऐसा बंदा आके करेगा जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपये महीना कमा रहा हो। ठीक है, और उसके साथ साथ एक SBC प्रोग्राम होता है। SBC प्रोग्राम ये करते हैं हमारे सिद्धार्थ सर जो आज यहाँ से लगभग 1 करोड़ रुपये पर मंथ सीख रहे हैं, हमारे ग्रेट ऑनलाइन हैं जिन्होंने हमसे 10 साल पहले इस काम को शुरू किया था, उनकी जो अर्निंग है वो 1 करोड़ रुपये महीना है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ऐसे व्यक्ति की 3 दिन की हमें संगत मिल जाए पूरे दिन की, वो हमें सिखाए, मेरा नॉलेज लेवल 1-2 लाख रुपये का है, तो मतलब 1-2 लाख रुपये के हिसाब से लगा सकता हूँ, और जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपये कमा रहा होगा वो 1 करोड़ के हिसाब से लगा रहा होगा। तो आपने करना क्या है कि उस ट्रेनिंग को साल में एक बार होती है 3 दिन की, वो ट्रेनिंग अटेंड करनी है। ठीक है जी, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा पता चले कि आप एक कोर्स करना है जिससे आपको लगभग 50,000 रुपये महीना मिलने शुरू हो जाएंगे, और उसके लिए 1 लाख रुपये फीस है और 1 साल के परमानेंट आपको वो करके आना पड़ेगा, मुंबई में करना पड़ेगा, कितने ऐसे लोग हैं जो तैयार हो जाएंगे 50,000 रुपये महीने की परमानेंट इनकम, 1 लाख रुपये खर्च होंगे और 1 साल लगेगा, कितने लोग हैं जी, हो जाएंगे नहीं तैयार? अगर फ्री में कोर्स हो रहा हो फिर तैयार हो जाएंगे। चलिए, अब ये जो ट्रेनिंग है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये लगभग 3,350 रुपये उसका टिकट है, चार्ज है उसका, 4,000 रुपये करने जा रहे हैं और 3 दिन की फुल डे वर्कशॉप है। अगर आप इसको करते हैं तो ये मान लीजिए आने वाले ये जो गोल मैंने लिखा ना यहाँ पे 4 से 6 महीने में, शायद 3 महीने में पूरा हो सकता है, ये जो मैंने 1.5 से 2 साल में करा है ये शायद यहाँ पर आपका 6 महीने में पूरा हो सकता है, इतनी बढ़िया वो ट्रेनिंग है। और मैं बता नहीं सकता इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उससे, तो मेरे ग्रुप में मिल रहे हैं, जब मैंने पहली बार उस ट्रेनिंग को अटेंड किया था 1 महीने बाद ही मेरा चेक 50,000 रुपये हो गया, दूसरी बार जब अटेंड किया तो चेक 1 लाख हो गया, तीसरी बार अटेंड किया तो 1.5 लाख हो गया, जब चौथी बार अटेंड किया तो लगभग 2 लाख का आता है, 5वीं बार में मुझे ट्रेनिंग अटेंड किए भी नहीं। यस, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग कोशिश करिए किसी भी तरीके से उस ट्रेनिंग को, जब आप उसे अटेंड करोगे तो आपको उसमें फर्क महसूस, आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई और चीज़ कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए किसी को, कोई चीज़ पूछना चाहते हो आप बिजनेस से रिलेटेड। बहुत सारे बोलते हैं।